पोखरण के सफल परीक्षण के बाद दुनिया की खुशहाली और हथियारों की रोक पर श्री वाजपेयी जी ने बल दिया। हम 50 साल दुनिया के देशों से कहते रहे कि परमाणु हथियार बनाने से काम नहीं चलेगा, आप उस पर धन खर्च कर रहे हैं। दो तिहाई दुनिया गरीबी की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन बड़े देशों ने, समृद्ध देशों ने हमारी बात नहीं सुनी। वो परमाणु हथियारों के अंबार लगाते रहे, बातें निशस्त्रीकरण की करते रहे, मगर हथियार जमा करते रहे। जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं, उन्होंने इतने हथियार इकट्ठे किए हैं कि सारी दुनिया को वो कई बार खत्म कर सकते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, और हम उनसे 1950 से ये कह रहे हैं, क्या आप ये बंद करिए, दुनिया को खुशहाल बनाने की जरूरत है। रक्षा के लिए हथियार जरूरी हो सकते हैं, मगर हथियारों से पेट नहीं भरा जा सकता, कोई हथियारों के ऊपर सो नहीं सकता। लेकिन हमारी बात का असर नहीं हुआ, उल्टे हमें हमलों का सामना करना पड़ा। कई बार हमारे ऊपर हमले हुए, जो जनता का धर्म विकास में लगाना चाहते थे वो हमें सुरक्षा पर खर्च करना पड़ा। फिर इसके साथ बड़े देशों ने एक और अन्याय का रास्ता अपनाया, उन्होंने कहा कि हम तो हथियार बना सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते। क्यों, हमने क्या अपराध किया है, हमने कौन सी गलती की है? हमने उनसे कहा कि हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आप भी हथियार न बनाएं। जो हथियार आपने बनाए हैं उनको एक तारीख तय करके खत्म कर दें, शांति के लिए काम करें, समृद्धि के लिए काम करें। उन्होंने नहीं माना। इस मामले में सारा राष्ट्र एक नीति पर चलता रहा है। हमने कहा कि हम अपने विकल्प खुले रखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा कदम उठाएंगे। और आपने देखा कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता रहा, चारों ओर संकट छाया रहा, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, प्रक्षेपास्त्र भेजे गए, गठबंधन किए गए और हमें मुसीबत में डालने की पूरी कोशिश हुई। हमने तय किया कि हमें अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी है हम उठाएंगे। और ये काम हमने अपने वैज्ञानिकों को सौंपा। जो समय निश्चित हुआ था उसके भीतर उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। 5-5 विस्फोटों ने ये बात साफ कर दी कि भारत अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम जरूरी होगा वो उठाएगा और किसी भी हालत में देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा, देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देगा।